हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि जानते हैं आप, मैथ टेक्निक में 5 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाएं और हर एक क्लास का क्वेश्चन टाइम से कलेक्ट करें। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारे पास 10th आर्ट्स का मैथ है, उसके 1.3 पर हम पहुँच चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों एक जैसे हैं। देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 4 तो करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 खुद ट्राई कर लेना, ठीक है? आपने क्या है, आपके पास x है, लेकिन बेटा 1 over x नहीं है, आपने इसमें 3 चीजें जरा और करनी है, फाइंड करनी है। 2 चीजें तो ये हो गई, लेकिन इसके अंदर 1 over x जो यूज हो रहा है ना, उसको आपने अलग करके फाइंड करना है। अब आप जब इसे 1 over x की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये 1 over √5 + 2 आ गया। लेकिन आपको मैंने ये कहा था कि अंडर रूट नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन इधर अंडर रूट नीचे आ गया। आपने क्या करना है, इसे रैशनलाइज कर लेना है। रैशनलाइज का तरीका मैंने आपको बता दिया था, इसी रकम को ऊपर नीचे 2 दफा लिख लेना है, लेकिन इधर साइन प्लस का है तो इधर माइनस का लगा लेना है। आपने 1 के साथ इस रकम को मल्टीप्लाई किया तो यही आ गई। इधर ये फर्स्ट का स्केयर प्लस माइनस माइनस एंड सेकेंड का स्केयर, ये 1 over x इक्वल है √5 - 2, ये कटिंग होकर 5 बन गया, ये -4। ये 1 over x इक्वल है √5 - 2 over 5 - 4 होकर 1 बच गया। 1 over x इक्वल है √5 - 2, ये हमारे पास 1 over x की वैल्यू और ये हमारे पास x की वैल्यू। हम फर्स्ट चीज आप फाइंड कर सकते हैं, आप लिखो x प्लस 1 over x इक्वल है, x की कीमत हमारे पास √5 + 2 है, एंड प्लस, स्टूडेंट्स अगर इधर माइनस आ जाए तो इधर माइनस लगाना पड़ेगा, और अगर इधर प्लस आ जाए तो प्लस लगाना पड़ेगा, माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर लेता है, √5 - 2। अब प्लस के साथ तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये रकमें वैसे ही आ गई, ये और ये कटिंग हो गई, ये बन गया 2 under √5। स्टूडेंट्स 5 5 ऐड नहीं होंगे, जबकि इनके बाहर जो 1 1 है ना, वो ऐड होगा। ये आया हमारे पास पहला आंसर। अब दूसरे आंसर में उधर स्केयर हमें नजर आ रहा है, आप लिख लो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो आपने इधर स्केयर ले लेना है, x प्लस 1 over x का होल स्केयर, 2 under √5 का होल स्केयर। स्टूडेंट इधर एक फॉर्मूला लगना है, ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab। ये इधर ए स्केयर बी स्केयर जमा 2ab, और 2 का स्केयर लेंगे 4 आएगा, इसका अंडर रूट इसके साथ कटिंग होकर 5 आ गया। ये बन गया एक्स स्केयर प्लस 1 over x स्केयर, ये इसके साथ कटिंग होकर 2 बन गया, और 4 5 20। स्टूडेंट इधर हमने क्या किया, इधर स्केयर इसका अलग ओपन किया 2 का, जबकि इसका स्केयर तो इसके साथ कटिंग होकर 5 बन गया, और 5 4 20, ये और ये कटिंग होकर 2 बच गया। x स्केयर 1 over x स्केयर, 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, x स्केयर प्लस 1 over x स्केयर इक्वल है 18। ये हमारा सेकंड वाला आंसर, और ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर। तो स्टूडेंट्स कोई मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, बस इजी है, 2 कीमतें निकालनी है तो वो निकल आएंगी इंशाल्लाह। हम इसके बाद 4 मैंने करा दिया, 5 6 आपने फुल ट्राई करना है, 7 वाला।